तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहुंच गए हम लोग अजमेर रेलवे स्टेशन और काफी खाली खाली लग रहा है वैसे तो। भाई का मैं आपका YouTube चैनल फॉलो कर रखा है। अच्छा, B4 कोच के अंदर हमारा सीट है। सुबह के 6:15 हो चुके हैं और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है। दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। 70 रुपीज़ के अंदर हम लोगों ने यहाँ से, इसको बोलते हैं जुगाड़ रिक्शा, रेड फोर्ट जैसे लाल किला भी कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद के बाहर भी। हाँ, इंशाल्लाह आज जाऊँगा हजरत निजामुद्दीन। खादिम मोहम्मद, थैंक यू। मैं आपका चैनल का नेम पूछ रहा हूं। अभी इस वक्त हम लोग होटल से निकल चुके हैं और हम लोग अभी निजामुद्दीन औलिया जा रहे हैं और निजामुद्दीन औलिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों आज आ गए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से पूरा दरगाह शरीफ के अंदर से पूरा इंतजाम। और भाई कैसे हो, खैरियत? जितने भी जायरीन हैं यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह, यहाँ पे चिराग का टाइम हो चुका है, जिसे माशाल्लाह महबूब इलाही में माशाल्लाह तमाम जितने भी यहाँ के खुद्दाम हज़रात हैं उनसे इंशाल्लाह। बहनों ये हमारे सब्सक्राइबर है भाई, थोड़ा सा ऊपर करके। कहाँ पे मिले थे हम? सही पहचाना, आप पहचाने, लोगों ने आपको देख लिया, हमने आपको देखा। खाजा बाबा खुश रह के बेड़ा पार। भाई खादिम चिश्ती साहब जो है इनका चैनल हमने देखा। रमजान का महीना यानी कि रहमतों बरकतों, और यहाँ पे तमाम जो है आप लोग देख सकते हैं खुद यहाँ पे। ऐशो को मुझे ख्वाजा ने जीना सिखा दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, मैं हूँ आपका दोस्त और भाई अजमेर दरगाह शरीफ खादिम मोहम्मद चिश्ती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं इस वक्त अजमेर शरीफ से निकल चुका हूँ, डिग्गी बाज़ार में हूँ और इंशाल्लाह अभी मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए और जहाँ मैं आप लोग को लेके जाऊँगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ पर। इंशाल्लाह आज का जो इफ्तार है 15 रमज़ानुल करीम का, इंशाल्लाह इफ्तार में हज़रत निज़ामुद्दीन में खोलूँगा और कैसे कैसे क्या रहेगा इंशाल्लाह, ये ट्रैवल ब्लॉग रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप लोग को हर चीज़ जो भी होता रहेगा अपने रास्ते में सब इंशाल्लाह आप लोग को दिखाता रहूँगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आइए लेके चलते हैं हम आप लोग को नई दिल्ली, अजमेर शरीफ टू न्यू दिल्ली। ये आप लोग देख सकते हैं अभी ये सुबह का वक्त है और ये अभी अराउंड कुछ आप लोग जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये 5:40 हो चुकी है और अभी जस्ट सहरी का वक्त ख़त्म हुआ है और इसीलिए मैंने जो ट्रेन की टिकट बुक करी है वो 6 बजे की करी है ताकि क्या एग्जैक्ट टाइम पे सहरी भी हो जाए। और माशाल्लाह व्लॉग अभी जस्ट मैंने लास्ट वाला 106 व्लॉग मैंने अपलोड किया और मैं निकला वापस अपने सफ़र पे आप लोग को ज़्यारत करवाने के लिए। तो व्लॉग को आप आखिरी तक देखें, बिना स्किप करे देखें। और ये आप लोग देख सकते हैं सामने अजमेर शरीफ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहुँच गए हम लोग अजमेर रेलवे स्टेशन और यहाँ पे माशाल्लाह एस्केलेटर्स की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है और रेलवे स्टेशन के अंदर यहाँ पे लिफ्ट का भी इंतज़ाम है। तो अगर कोई जैसे व्हीलचेयर पे है तो उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है, ईजी फैसिलिटी है। और अगर कोई ओल्ड एज है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एस्केलेटर है, एस्केलेटर से आप लोग ट्रैवल करके आगे जा सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोग को बता रहा था मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लिफ्ट की फैसिलिटी अजमेर में और काफ़ी खाली खाली लग रहा है वैसे तो। ट्रेन तो पूरी फुल है, एकदम ओवर बुक थी, बट ऐसा लग रहा है या तो मैं लेट आया हूँ कि लोग कोई पहुँचा नहीं अभी तक। ये ट्रेन आ चुकी है भुज वाली है और ये वाली जो ट्रेन है यहाँ पर सुबह 6:05 पर निकलती है अजमेर शरीफ से और ये दिल्ली होते हुए अभी कहाँ जाएगी वो मुझे पता नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को मैं बताऊँ कि ये दिल्ली होते हुए कहाँ कहाँ जाएगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आला हजरत एक्सप्रेस बरेली भुज। हाँ भाई, भाई का मैं आपका YouTube चैनल फॉलो कर रखा है मैंने। अच्छा किया भाई, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर रखा है आपका, इंस्टाग्राम चैनल जो है वो भी मैंने फॉलो कर रखा है। माशाल्लाह क्या बात, आपकी वीडियो जो होती है बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा वीडियो होती है। हम घर बैठे
हुजूर सरकार गरीब नवाज की बारगाह की जियारत खुद कर लेते हैं। अरे क्या बात है, जजाक अल्लाह भाई, अच्छा लगा भाई माशाल्लाह। इस तरीके से लोगों को वहाँ की जियारत कराते रहे और सवाब दारा हासिल करते हैं। आमीन 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 आमीन। भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैफ अली है भाई, और मैं बरेली शरीफ से रहने वाला हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में मैं आया था जी जी जी, से भी मुलाकात की भाई जी। इंशाल्लाह अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। तो ये जैसे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, जस्ट मैं पहुँचा ही हूँ रेलवे स्टेशन, और हुजूर गरीब नवाज का करम है कि माशाल्लाह हमारे एक सब्सक्राइबर हमें मिल गए और उन्होंने हमें पहचाना। मुझे ऐसा लगा कि पहचानेंगे नहीं, क्योंकि दरगाह शरीफ की जो टोपी होती है वो अलग है, कपड़े अलग है, बट ट्रैवलिंग के टाइम कपड़े अलग होते हैं, टोपी अलग होती है। तो अच्छा लगता है ऐसे माशाल्लाह जब सब्सक्राइबर्स सामने से आके मिलते हैं। तो और जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, माशाल्लाह आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमेशा कि आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ऑडियंस के बिना तो चैनल कुछ है ही नहीं। और ये पूरा का पूरा चैनल आप लोग का ही है, हुजूर गरीब नवाज के तमाम आशिकों का चैनल है, जो भी आशिक है हुजूर गरीब नवाज के उनका है। तो इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई और बहनों चलते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन। तो ये हम लोग आ गए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये B4 के अंदर, B4 कोच के अंदर हमारा सीट है, स्लीपर कोच है, और ये 8 घंटे 30 मिनट का रास्ता है। और कैसा क्या रहेगा इंशाल्लाह जर्नी का, इंशाल्लाह अभी तमाम जितने भी लोग हैं मोस्टली तो इस वक्त सो रहे हैं, ये सुबह का वक्त है, 6:05 का वक्त है। और ये आप लोग देख सकते हैं पूरे के पूरे बर्थ्स जो है यहाँ पर खाली है। मैं कभी भी अगर ट्रैवल कर रहा हूँ ट्रेन में और कभी मैं गलती ना करूँ, ऐसे कभी हो नहीं सकता, B5 की जगह B4 में चढ़ गया, तो वापस चढ़ते हैं ट्रेन में और देखते हैं हमारी कहाँ पर है सीट, कहाँ पर है। और ये 33 नंबर पे है, 33 नंबर पे जाके देखते हैं, ये 14, और यहाँ पे तो सब ज़बरदस्त सो रहे हैं सब दबा के, ये 30, 27, 33 कौन सा है, 33, हाँ ये 33 इधर है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी सुबह के 6:15 हो चुके हैं और ट्रेन जो है निकल चुकी है अजमेर शरीफ से, और 8.5 घंटे का सफ़र है, और सहरी का वक्त हो चुका है जैसे आप लोग को पता है। और अभी इंशाल्लाह हम लोग दिल्ली पहुंच के इंशाल्लाह इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पहुंच गए हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसे पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन कहा जाता है। और हमेशा की तरह आला हजरत का जो ट्रेन है हमेशा की तरह ये डिले ही रहती है, लेट ही रहती है, और ये पहली बार नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, और पहले भी आला हजरत जो ट्रेन है वो भी पहले जब UP साइड गया था ज्यारतों पर, तो उस टाइम पर ट्रेन वो टाइम पर भी डिले हुई थी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। आज इंशाल्लाह आप लोग को हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में आज लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और जितनी भी ज़्यारतें हैं, क्या क्या है, जामा मस्जिद है, निज़ामुद्दीन औलिया है, और अलग अलग जो भी दरगाह हैं इंशाल्लाह वो आप लोग को कोशिश करेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इंशाल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, इंशाल्लाह वहाँ पर भी जाएँ, जहाँ जहाँ पर भी हो पाएगा इंशाल्लाह आप लोग तक सब तक वहाँ पर ज़्यारतें कराएँगे। और ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आप अगर पहुंचते हो तो यहाँ से सबसे पास आपको लाल किला, रेड फोर्ट, चांदनी चौक, और मीना बाज़ार और चोर बाज़ार, ये सब जितने भी मार्केट है ये सब यहाँ पे पास से पड़ते, यहीं से पास में ही पड़ते। तो अगर आप लोग को ये सब जगहों पे जाना हो तो आप लोग यहाँ पे उतर सकते हैं, यहाँ पे सबसे नियर बाई आपको हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। अभी मैं सबसे पहले तो जामा मस्जिद जाऊँगा, होटल में जाऊंगा, फ्रेशन अप होऊंगा, फिर इंशाल्लाह निज़ामुद्दीन के लिए जाएंगे, और वहां पे जाके इंशाल्लाह आज आप लोगों को लेके जाएंगे।
तो आइए कैमरा घुमाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे बैग को ठीक किया जा रहा है और यहाँ पे पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूँ कि कोई रेलवे स्टेशन के ऊपर बैग्स को कोई ठीक कर रहा है, तो कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंट। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये गेट नंबर 1 से हम लोग बाहर निकलेंगे चांदनी चौक के लिए जो रास्ता जा रहा है। और बहनों, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, बहुत सालों बाद मैं यहाँ पे उतरा हूँ, नहीं तो हमेशा मैं ज़्यादातर दिल्ली सराई रोहिला में उतरता हूँ। और ये वाला जो स्टेशन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दिल्ली का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, तो जस्ट आप लोग को बताना था तो ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। चलो 70 ले लेना चलो। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोगों ने 70 रुपये के अंदर, 70 रुपीज़ के अंदर हम लोगों ने यहाँ से, ये साइकिल है कि रिक्शा है, क्या ही है? हाँ, जुगाड़, इसको बोलते हैं जुगाड़ रिक्शा। क्या बात है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं ये जुगाड़ रिक्शा, हमारे अजमेर में अभी तक पहुँचा नहीं है। हेलमेट नहीं पहन रहे हो? और आने वाले 2-3 दिन तो इंशाल्लाह भी दिल्ली में रहेंगे, कैसा क्या मंजर रहेगा दिल्ली के अंदर वो आप लोग तक मैं इंशाल्लाह पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और ये जुगाड़ वाले भाई, और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लाल किला यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, रेड फोर्ट जिसे कहा जाता है। और अगर टाइम ने परमिट किया, टाइम ने अलाउ किया, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आप लोग को रेड फोर्ट भी दिखा दूँ। ये है रेड फोर्ट, जैसे लाल किला भी कहा जाता है, आप लोग सबने हमेशा वीडियोस के जरिए ही देखा होगा और आज मैं खुद लाइव उसको देख रहा हूँ और आप लोग सब तक मैं पहुँचा रहा हूँ उसको, रेड फोर्ट को, लाल किले को। और यहाँ से आप लोग सामने जाएंगे तो यहाँ से चांदनी चौक आएगा और क्या क्या आएगा, स्पाइस मार्केट और तमाम बहुत सारे मार्केट्स हैं ये साइड में। चलो भाई, जामा मस्जिद लेके चलो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरी भी एक नज़र पड़ी यहाँ पे रेड फोर्ट से लग के यहाँ पे कोई मज़ार है, अब वो किसकी है पता नहीं हमें, ये भाई को भी पूछा, इनको भी नहीं मालूम, कोई बोल रहे किसी शहीद का है, तो देखेंगे इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोशिश करेंगे कि अगर रेड फोर्ट जा पाए आप लोग को दिखाने के लिए, तो इंशाल्लाह कोशिश मैं करूँगा कि आप लोग को ये मज़ार पे भी इंशाल्लाह आप लोग को लेके जाऊँ और ज़्यारत भी करवाऊँ। तो ये हम लोग आ गए मेरे प्यारे भाई और बहनों जामा मस्जिद की गलियों में, जामा मस्जिद के आसपास की तमाम जितनी भी गलियां हैं वो उसके पास में आ चुके हैं। ये यहाँ पे जो है मीना बाज़ार है, ये जामा मस्जिद के जस्ट अपोजिट में, कौन सा गेट के सामने पड़ता है ये? हाँ, 2 नंबर गेट के सामने जो है मीना बाज़ार पड़ता है। और ये आप लोग देख सकते हैं ये जामा मस्जिद का ये पिछला वाला हिस्सा है, ये वाला है, और हमें इंशाल्लाह ये भाई हमें 1 नंबर गेट की तरफ छोड़ेंगे। तो जाते जाते ये जुगाड़ भी दिखा देते आप लोग को, ये वाली थी जुगाड़, और ये वाकई में पूरी जुगाड़ है, ये पूरी ऐसी लग रही मोटरसाइकिल है पूरी आगे से। क्या नाम है भाई आपका? हसन भाई। चलो अल्लाह हाफिज़, ख्वाजा बाबा आपको खुश रखे भाई। और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ पे ये बैरिगेट लगे, तो इसलिए इसके आगे यहाँ पे गाड़ियों को जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और इंशाल्लाह और कोशिश में भी ये भी करूँगा इंशाल्लाह आसपास का मार्केट का क्या कैसा माहौल रहेगा वो इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। तो इंशाल्लाह ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद के बाहर भी आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे हज़रत सूफ़ी सरमद शहीद की दरगाह भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे। और इंशाल्लाह जो जो भी सामने दिखता जाएगा, जैसे मैंने आप लोग को बताया, जो जो मेरे नज़रों के सामने पड़ता जाएगा वो मैं आप लोगों तक इंशाल्लाह पहुँचाऊँगा मेरे चैनल के ज़रिए, और जहाँ जहाँ की ज़्यारतें हो सकेगी इंशाल्लाह वहाँ की ज़्यारतें भी इंशाल्लाह आप लोग को कराएंगे। और ये यहाँ से अगर आप जाएंगे तो मीना बाज़ार के लिए जाता है रास्ता ये, और जामा मस्जिद का इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई और बहनों एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा आप लोग के लिए मैं जामा मस्जिद का, चैनल खादिम मोहम्मद चिश्ती यूट्यूब पे। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे ये तमाम मार्केट है, यहाँ पे पूरी की पूरी मार्केट यहाँ पे, और यकीन है मुझे कि यहाँ की जो मार्केट है तो बहुत ज़्यादा ही सस्ती होगी और ज़्यादा ही चीप होगी।
और ये आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, जैसे मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे अभी दिन के 3 भी नहीं बजे और 3 बजे भी नहीं हुए और यहाँ पे इतना सारा आप लोग को रश देखने को मिल रहा है। तो अगर आलम ये है इस वक्त का अभी का, तो शाम का क्या आलम होगा वो अल्लाह बेहतर जाने। बहुत ज़बरदस्त रश रहता है, मैंने भी खुद ने ब्लॉग्स वीडियोज़ के ज़रिए देखा, बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है यहाँ पर जामा मस्जिद के आसपास का जो एरिया है। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं जामा मस्जिद और इंशाल्लाह शाम को लेके चलेंगे आप लोग को हजरत निजामुद्दीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ हजरत निजामुद्दीन औलिया अजमेर शरीफ टू हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह का व्लॉग रहेगा, ट्रैवल व्लॉग रहेगा। और जामा मस्जिद का जो एरिया है उसके आसपास का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह वो मैं आने वाले दिनों में मैं आप लोग को इंशाल्लाह कवर करके दूंगा, कैसा क्या मंजर रहेगा यहाँ का रमज़ानुल करीम के दिनों में इंशाल्लाह वो मैं आप लोग को बताऊंगा। हाँ इंशाल्लाह आज जाऊंगा हजरत निजामुद्दीन में, इंशाल्लाह आज उधर का ही प्लान है, अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, इंशाल्लाह इफ्तारी उधर ही करूँगा निजामुद्दीन औलिया में। खादिम मोहम्मद, खादिम मोहम्मद, थैंक यू। वो आपको ही देखना पड़ेगा जाके। मैं आपका चैनल का नेम पूछ रहा हूं। चैनल का नेम मेरा खादिम मोहम्मद चिश्ती। खादिम मोहम्मद, खादिम मोहम्मद चिश्ती। यूट्यूब पे डालोगे तो आ जाएगा। तो जैसे मैंने खुद ने नोटिस किया मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं खुद ब्लॉगिंग अभी इतना टाइम नहीं हुआ मुझे करते हुए, मेरे को 6-7 महीने हुए, बट मैंने खुद ने ये एक चीज़ नोटिस करी है कि जो यंगस्टर्स है ना, जवान लोग, बड़े बुजुर्ग भी इंटरेस्ट रखते हैं, बट जो जवान लोग हैं मैंने ये ध्यान ज़्यादा दिया कि वो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और ज़्यादातर बच्चे वीडियोस में आने की कोशिश करते हैं। और ये इंशाल्लाह जामा मस्जिद का पूरा जो मार्केट है इंशाल्लाह वो मैं आप लोग को आने वाले दिनों में आने वाले ब्लॉग के अंदर वो कवर करूँगा, वो अलग रहेगा। आज का जो ब्लॉग है जैसे मैंने आपको बताया हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का ही रहेगा इंशाल्लाह। और ये यहाँ पे बॉम्बे ओरिएंट होटल है इंशाल्लाह, अभी इसमें ही हमारा स्टे रहेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी इस वक्त हम लोग होटल से निकल चुके हैं, शाम के 5:30 बज चुके और जल्दी से जाएंगे इंशाल्लाह हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में। इंशाल्लाह आज जाके हम लोग इफ्तारी खोलेंगे। और ये जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये जामा मस्जिद का हिस्सा ही है। और जामा मस्जिद के बाहर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा माशाल्लाह मंजर है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग जामा मस्जिद से निकल चुके हैं और हम लोग अभी निजामुद्दीन औलिया जा रहे हैं, इंशाल्लाह इफ्तारी खोलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग पहुंच गए हज़रत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे। और जैसे मैंने आप लोग को बताया अजमेर शरीफ से हम लोग निकले थे, भाई इनके साथ में चप्पल रख देना। और जैसे मैंने आप लोग को बताया अजमेर शरीफ से हम लोग निकले थे, अजमेर टू निज़ामुद्दीन का ये जो व्लॉग है वो आप लोग सब तक मैं पहुंचा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों। और इंशाल्लाह आज का कैसा क्या मंजर रहेगा इफ्तार का वो इंशाल्लाह आप लोग को बताऊंगा। और कल का जो व्लॉग था मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कल जो गई थी उसके अंदर मैंने अजमेर शरीफ के अंदर का जो इफ्तार का व्लॉग है वो मैंने आप लोग को दिखाया, कैसा क्या मंजर था दरबार के अंदर अजमेर शरीफ के अंदर। और एक दिन के अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया लेके आया हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुसलसल जितना हो सकेगा इंशाल्लाह, जितने दिनों के लिए मैं यहाँ पे रहूँगा इंशाल्लाह, और भी जहाँ जहाँ पे जो भी इफ्तार सहरी का इंतज़ाम जहाँ जहाँ पे क्या हो रहा है वो इंशाल्लाह सब आप लोग को तफसील से बताने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं, अभी ज़्यारत करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में, निज़ाम पाक में। तो ये बावड़ी वाला जो गेट है हम लोग उसमें से एंटर होके हम लोग दरबार के अंदर यहाँ आए हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम काफ़ी सारी यहाँ पर आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे ज़ायरीन भी आए हुए हैं माशाल्लाह ज़ियारत करने के लिए। और ये अभी यहाँ पे इफ्तारी का सामान, ऐसा लग रहा है इफ्तारी का सामान यहाँ पे बांटा जा रहा है। बेटा दिखाना क्या इसके अंदर। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या इसके अंदर माशाल्लाह, ये रमदान मुबारक और ये माशाल्लाह चिप्स और ये सब बहुत अच्छा प्यारा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ माशाल्लाह पैकेट इन्होंने बनाए। जैसे मैं आप लोग को दिखाता ही रहता हूँ कि क्या क्या बनता है, क्या क्या बटता है इफ्तारी के वक्त। और निज़ामुद्दीन औलिया में मेरे प्यारे भाई और बहनों आज आ गए हम लोग। चलिए आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों माशाल्लाह यहाँ पे कैसा क्या मंजर है निज़ामुद्दीन औलिया में।
और यहाँ पे तमाम जितने भी यहाँ के ज़ायरीन हैं, निज़ामुद्दीन औलिया के ज़ायरीन हैं, सब यहाँ पे ख़वातीन हज़रात, जैसे आप लोग देख सकते हैं, तमाम जितनी भी ख़वातीन हज़रात हैं सब यहाँ पे बैठी हुई और रोज़ा इफ्तार करने के लिए। और इंशाल्लाह आज का जो इफ्तारी का जो ब्लॉग है, इंशाल्लाह वो पूरा अजमेर शरीफ से मैं निकला हूँ और निज़ामुद्दीन तक आया हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे माशाल्लाह तमाम जितने भी यहाँ पे ज़ायरीन आए हैं निज़ामुद्दीन में, यहाँ पे माशाल्लाह सब के सब यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए यहाँ पे बैठ चुके हैं माशाल्लाह। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ का दस्तरखान, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दस्तरखान। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। तो ये आप लोग देखिए यहाँ पे माशाल्लाह, ये तमाम जितने भी दस्तरखान यहाँ पे माशाल्लाह लगा जाता है यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप देखते हैं माशाल्लाह हर रमज़ान शरीफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से पूरा दरगाह शरीफ के अंदर से पूरा इंतज़ाम होता है, और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है 2,500 आदमी एवरी डे यहाँ रोज़ा खोलते हैं, और जिसके अंदर ये सब दरगाह हज़रत महबूब इलाही यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह की तरफ से, दरगाह अकेडमी कमेटी की तरफ से पूरा इंतज़ाम होता है। और इसमें हिंदू मुसलमान और माशाल्लाह जितने आपने देखे ज़ायरीन यहाँ सब दरगाह शरीफ के अंदर आकर रोज़ा खोलते हैं, और इसी तरह जो है पूरा माशाल्लाह चाहे छोटा हो बड़ा हो औरत आदमी हो, इसी तरह अफ्तार माशाल्लाह लंगर शरबत सब पूरा दरगाह की तरफ से पूरा इंतज़ाम होता है। मेरा नाम सैयद अफसर अली इंतज़ामी है और मैं यहाँ दरगाह का चेयरमैन हूँ हज़रत के आसानी का। और भाई कैसे हो, खैरियत और सुनाओ, सब बढ़िया? सब अल्लाह का शुक्र है, हुजूर महबूब इलाही का करम है। बेशक बेशक, आज बुलावा आ गया माशाल्लाह यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ज़ियारत पे आ गए। अभी तक तो मैं माशाल्लाह जितने भी मैंने सारे व्लॉग्स बनाए सारे अजमेर से ही बनाए। जी सारे के सारे व्लॉग इलाही को बुलाना था आपको। बेशक भाई, माशाल्लाह यहाँ भी अजमेर शरीफ में भी रहता है, यहाँ भी देखिए इफ्तारी का इत्तेमाम माशाल्लाह जबरदस्त है माशाल्लाह। ऐसा नहीं है जहाँ दस्तरखान नहीं नजर, माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी माशाल्लाह। अभी जस्ट मैं आया हूँ, अभी माशाल्लाह दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे सब कैसा क्या इंतजाम है माशाल्लाह। यहाँ पे तो सारा इंतजाम रहता है, वहाँ बैक साइड पीछे की तरफ लेडीज़ का है। अच्छा, ख़वातीन हज़रात का वहाँ पे होता है। उधर भी मस्जिद की तरफ भी इफ्तारी का इत्तेमाम है, सिराने मुबारक की तरफ भी माशाल्लाह माशाल्लाह छोटी दरगाह के पास यही। और हम इधर ही मिलता हूँ फिर इंशाल्लाह, है ना? तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कैसा क्या मंजर है निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर आज दरबार के अंदर। माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम हमेशा की तरह माशाल्लाह। और अभी ज़्यादा देर कुछ बचा नहीं है, 6:35 का वक्त है जब अभी इफ्तार को खोलने का वक्त हो जाएगा, और इंशाल्लाह अभी मैं लेके चलता हूँ आप लोग को ज़ियारत करवा देता हूँ ये निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर माशाल्लाह। ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे माशाल्लाह तमाम जितने भी ज़ायरीन हैं यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह, उनके लिए यहाँ पे इफ्तार का सामान यहाँ पे माशाल्लाह बांटा जा रहा है माशाल्लाह। बहुत ही नेक काम है माशाल्लाह, ये जो भी इस काम में लगे हैं माशाल्लाह बहुत ही नेक काम है ये रोज़ेदार को इफ्तार कराना माशाल्लाह। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह ये पिछला वाला जो हिस्सा है दरगाह शरीफ के अंदर का निज़ामुद्दीन औलिया का वो यहाँ का है। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे मज़ार यहाँ पे हज़रत निज़ामुद्दीन के अंदर ही है यहाँ पे। और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माशाल्लाह तमाम जितनी भी ख़वातीन हज़रात हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं माशाल्लाह, और इफ्तार का इंतज़ाम आपको हर जगह पे यहाँ पे देखने को मिलेगा माशाल्लाह। और ये हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मज़ार शरीफ यहाँ पे बनी है माशाल्लाह। और ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने वाला हूँ माशाल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है माशाल्लाह, जैसे आप लोग ख़ुद देख सकते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चिराग का टाइम हो चुका है जिसे रोशनी का वक्त कहा जाता है, और शाम के अभी बज चुके हैं 6:20। और यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मस्जिद है यहाँ की, और मस्जिद के अंदर भी माशाल्लाह यहाँ पे इफ्तार के इंतज़ाम माशाल्लाह हो रहे हैं ये महबूब इलाही में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। माशाल्लाह कैसा क्या प्रोग्राम है माशाल्लाह यहाँ पे, वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। कल तक तो मैंने आप लोग को अजमेर शरीफ के अंदर का इफ्तार का प्रोग्राम दिखाया था, कैसे दरबार के अंदर का वहाँ का प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे क्या इंतज़ाम है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के अंदर। और ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मस्जिद यहाँ पे तामीर की हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है माशाल्लाह। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों माशाल्लाह महबूब इलाही में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी माशाल्लाह जैसे आप लोग ख़ुद देख सकते हैं रौनक ही रौनक है माशाल्लाह यहाँ पर भी, और तमाम यहाँ पे जितने भी ज़ायरीन हैं माशाल्लाह यहाँ पे बैठे हुए, और सबके लिए दुआएं करते हैं महबूब इलाही के सदके तुफैल में इंशाल्लाह जितनी भी दिलों की जितने भी लोगों की दिली तमन्नाएं मन्नतें हैं मुरादें हो सारी की सारी इंशाल्लाह कबूल हो।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम लोग हमारे इफ्तारी के लिए जगह ले लेते हैं और हजरत हैं यहाँ के जो खादिम साहब हैं, इंशाल्लाह उनसे भी आपकी और मुलाकात कराएंगे। और इंशाल्लाह अभी जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये महबूब इलाही के अंदर आज हम लोग 15 रमज़ानुल करीम का दिन, और यहाँ पे इंशाल्लाह हमारी इफ्तारी तमाम जितने भी यहाँ के खुद्दाम हजरत हैं उनसे इंशाल्लाह और आप लोगों की इंशाल्लाह मुलाकात भी कराएंगे। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ की दस्तरखान। أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله برحمتك يا أرحم الراحمين तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे सब्सक्राइबर है भाई, चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है माशाल्लाह, महबूब इलाही में आके पहचाने हमें। और भाई कहाँ से हो आप? मैं तिलहर से हूँ। हाँ जी, तिलहर से। तिलहर जी, बरेली शरीफ। अच्छा, तो तिलहर। हाँ, तिलहर के मैंने वीडियोस बनाए हुए जी, देखे आपने? देखे। हाँ देखे, दोस्त के मोबाइल में देखे। तिलहर में हाँ हाँ, दो तीन दरगाह थी वहाँ पे तिलहर में, वो जो मैंने बनाई है वीडियोस। हाँ, वीडियो सब जगह बनाई है बरेली के अंदर, दानावाली सरकार है। खाजा आपको आबाद रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखे इंशाल्लाह, आपके लिए खूब सारी दुआएं करता हूँ दरबार गरीब नवाज में भी इंशाल्लाह, और ये महबूब इलाही में भी खड़ा हूँ यहाँ पे भी इंशाल्लाह, आपके लिए खूब सारी दुआएं करते हैं। तो ये हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे भाई है और आशिक है हुजूर गरीब नवाज है माशाल्लाह, इसलिए साथ में फ़ोटो भी ले रहे हैं। ठीक है भाई, आ जाओ, आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे इंशाल्लाह, खूब सारी दुआएं करूँगा आपके लिए, आप लोग के नाम से इंशाल्लाह। कमेंट में आप लिखा करें कि दुआ करो, तो इंशाल्लाह आपके नाम से इंशाल्लाह दुआ अर्ज करूँगा जब भी दरबार गरीब नवाज में पहुँचूँगा इंशाल्लाह। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप पहले रमजान में मिले थे ना? हाँ, कहाँ पे मिले थे हम? हाँ सही पहचाना भाई। हाँ वालेकुम सलाम, देखा भाई, नौकर है हुजूर गरीब नवाज के, नौकर है भाई हम दरगाह के अंदर, हर रमजान हम लोग ऐसे घूमते हैं दरगाह पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तमाम जितने भी यहाँ पे भाई लोग हैं माशाल्लाह, आशिक ख्वाजा है, और माशाल्लाह भी महबूब इलाही में भी मुलाकात हुई है, और माशाल्लाह इन लोगों ने मेरा चैनल भी देखा हुआ है, और एक दो रमजान को, एक या दो रमजान, दोनों अच्छा, एक और दो रमजान को ये दरबार के अंदर ही थे माशाल्लाह, बट मेरा नजर आप लोग के ऊपर नहीं पड़ी, मैं ध्यान, क्योंकि इतने सारे लोग रहते हैं तो थोड़ा सा माजरत चाहूंगा। आप पहचान लोगों ने आपको देख लिया, खाजा बाबा आपको खुश आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने कदमों में तलब अता फरमाते रहे इंशाल्लाह हमेशा, ये इंशाल्लाह खाजा आपको खुश रखे, आबाद रखे भाई, बेड़ा पार है भाई आपका। और कैसे खाजा खुश रखे, बेड़ा पार करे आपका, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे इंशाल्लाह। भाई खादिम चिश्ती साहब जो है, इनका चैनल हमने देखा माशाल्लाह, और ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो दरबार में आ नहीं पाते, और उनको लिए बड़ी आसानी है कि जो ज़ियारत हो जाती है, और इससे बड़ा फ़ायदा है, लोगों को जानकारी भी मिलती है। अल्लाह ताला इनके चैनल को भी तरक्की अदा फरमाए, इनके इल्म में भी इजाफा फरमाए, और इनकी रूहानियत में भी इजाफा फरमाए पाक परवरदिगार। और मैं भी तमाम देखने वाले नाज़रीन से दुआ गो हूँ कि मेरे लिए भी दुआ करें कि खात्मा अल्लाह ताला ईमान पर फरमाए। और आज ख़ास बात यह है कि सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये एजाज़ अता हुआ कि दरबार महबूब इलाही में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाज़िरी का शर्फ अता फरमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई है, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। सूफ़ी सरार अहमद क़ादरी अमरोहा। और ये जैसे आप लोगों ने देखा मेरे प्यारे भाई और बहनों, माशाल्लाह इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे मिले जिन्होंने मेरा चैनल देखा हुआ है, और माशाल्लाह हुजूर गरीब नवाज़ का जितने भी मैं ज़्यारत आप लोग को करवा रहा हूँ, लोग भी माशाल्लाह पसंद करें, तो मैं हुजूर गरीब नवाज़ का
जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ान का महीना यानी कि रहमतों, बरकतों, इफ्तार व सुहूर, तरावी, कुरान की तिलावत, नमाज व नफिल पढ़ने का मुबारक महीना। इस मुबारक महीने में जहां कुरान नाजिल हुआ वहीं पर इसी महीने में लैलतुल क़द्र 21, 23, 27 और 29 में मुसलमानों को एक पाक एक ताक रात हासिल हुआ। रमज़ान का मुबारक महीना कई तरीक़ों से मुसलमानों के लिए रहमत का महीना है। इस मुबारक महीने में जहां इंसान एक खजूर किसी को अगर खिलाता है तो उसको 70 गुना अल्लाह सुबहाना व ताला अजर अजीम अता फरमाता है, उसका बदल 70 है। इसी मुबारक महीने में ये महसूस होता है कि महबूब इलाही के दस्तखान पे जो ख्वाजा गरीब नवाज का मिशन था हिंदुस्तान में, तमाम के लिए मोहब्बत, तमाम के साथ समानता, ये जो इमोशन और जो एक मोहब्बत का पैगाम ख्वाजा साहब ने हिंदुस्तान में दिया वो यहाँ महबूब इलाही के दस्तखान पे नज़र आता है। महबूब इलाही के दस्तखान की बरकत यह है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ बैठ के रोज़ा खोलते हैं और ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अता रसूल रहमतुल्लाह अलैह की यही चिश्तिया सिलसिले के तमाम बुज़ुर्गों को, मुरीदों को, खुलाफाओं को, मुतखिद मुतवसलिन को यही हिदायत है कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना और जो तुच्छ हो, जिनको दुनिया हीच और नीच निगाहों से देखते हो, उनको अपने बराबर में बिठाना। मेरा नाम सूफ़ी सैयद अजमल निज़ामी, सज्जादा नशीन, कस्टोडियन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही रहमत। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तमाम जितना भी मार्केट है यहाँ पे माशाल्लाह पूरा का पूरा मार्केट को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पूरा बाकायदा पूरा सजा दिया है, पूरा महबूब इलाही के बाहर ये बावड़ी वाला जो गेट है उसके बाहर का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा है। और यहाँ पे तमाम जो है आप लोग देख सकते हैं खुद यहाँ पे सब बारबेक्यू का सब कुछ, यहाँ पे चिकन से लेके हर चीज़ यहाँ पे सारा सामान आप लोग को खाने को मिलेगा। यही तो डेलिकेसीज होती है रमज़ान के वक्त का। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और जामा मस्जिद के लिए वापस जा रहे हैं होटल पे। तो ये हमारे भाई मिले हुजूर गरीब नवाज की शान में, कुछ बोलना चाहेंगे। अल्लाह के वलियों के मरातिब अजीम है क्योंकि वो सच्चे आशिक रब करीम है। उनको मिला है रब से दिलायत का मर्तबा, दर्जात में वली जो बना फिर रहीम है। ऐ शौक मुझे ख्वाजा ने जीना सिखा दिया, ऐ शौक मुझे ख्वाजा ने जीना सिखा दिया, मझधार से साहिल पे सफीना लगा दिया। कुर्बान अपने ख्वाजा पे दिल जान और निसार, कुर्बान अपने ख्वाजा पे दिल जान और जिगर, अजमेर को ख्वाजा ने मदीना बना दिया। समाप्त कीजिएगा हजरत। जब गरीब नवाज पहली बार अजमेर में आए थे वहाँ का जो राजा था उसने आपको क्या क्या असलियतें दी, फिर गरीब नवाज ने कौन सी करामात दिखाई, समाज फरमाइएगा कासे का पानी। ये सच्चा वाकया है सुनो मेरे दोस्तों, ये सच्चा वाकया है सुनो मेरे दोस्तों, ख्वाजा पिया किशान करामत ये देख लो, ख्वाजा पिया किशान करामत ये देख लो, ये सच्चा वाकया है सुनो मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों सुनो मेरे दोस्तों, ख्वाजा पिया किशान करामत ये देख लो, तुम हिंद में जाकर करो इस्लाम का चर्चा, सच्चाई का तौहीद का फैलाओ उजाला, ख्वाजा ये हुक्म सुन के मदीने से चल दिए, लेकर कई मुरीद वो अजमेर आ गए, ठहरे वो एक पहाड़ी पे तालाब के करीब,
आई पसंद उनको वो आवो हवा अजीब, जो साथ में मुरीद थे बोले कुते सभी, तामील हुक्म करते थे सब लोग बाखुशी, ख्वाजा खुदा की याद में रहते थे हर घड़ी, दिल में बसी हुई थी मोहब्बत रसूल की, ठहरा था जिस पहाड़ी पे ख्वाजा का काफिला, उसके करीब था अना सागर बहुत बड़ा, रहमत के बादलों की बरसती थी फुहारे, बरसती थी फुहारे, बरसती थी फुहारे, रहमत के बादलों की बरसती थी फुहारे, ख्वाजा जी मदीने से ये लाए थे बहारे, रहमत के बादलों की बरसती थी फुहारे, ख्वाजा जी मदीने से ये लाए थे बहारे, वो बहार जो मदीने से अजमेर में आई, और उसके बाद उस बहार ने क्या क्या गुल खिलाए, आए हैं कुछ फकीर यहाँ गैर देश के, ठहरे हैं वो पहाड़ पे बस्ती के सामने, सरदार उन फकीरों का है कुछ अजीब सा, खिदमत में उसकी रहता है सारा ही काफुला, मालूम ये होता है अरब के है मुसलमान, कुछ खास ही मकसद से सभी आए हैं यहाँ, ठहरे हुए हैं लोग सभी आन बान से, होकर फकीर रहते हैं शाहों की शान से, है उन सभी फकीरों के कुछ कूदबाज और अपना लिबास, और है उनका लिबास और है शान अजब उनकी अजब उनका सलीका, सबसे जुदा है उनकी इबादत का तरीका। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा। आज महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के अंदर मैंने आप लोग को ज़्यारत कराई। ये पूरा का पूरा ब्लॉग अजमेर शरीफ से लेके निज़ामुद्दीन औलिया तक का ब्लॉग था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा, और जितने भी तमाम लोगों ने मुझे दुआओं के लिए बोला उन सबके लिए मैंने दुआएँ करी है, महबूब इलाही में भी की है, और माशाल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज़ में आप सबके लिए दुआएँ तो करता ही रहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और आप लोग ऐसे ही इंशाल्लाह दरगाह ब्लॉग्स के साथ मैं आप सबसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह।